हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। आज हम लोग क्लास 11th में जो वेक्टर एडिशन सीख रहे थे उसमें ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन सीख चुके थे। आज उसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, देखिए, अब फिर मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर फिर बी दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है, और आपको फिर इन दोनों को ऐड करना है बाय दिस मेथड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो अब इसको जोड़ने के लिए फिर हम सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इधर स्टेप्स है और यहाँ काम भी करेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, तो ड्रॉ फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ बोथ द वेक्टर्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। देखिए वहां क्या किए थे, ट्रायंगल लॉ में पहले एक को ड्रॉ करते थे और फिर उसके हेड से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करते थे। अब यहाँ हमको दोनों ही वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है। ओके, देखिए ए इधर है तो हम इधर की ओर ए ड्रॉ किए, ये मेरा ए वेक्टर हो गया। ओके, और इधर इससे थीटा एंगल बना के बी है तो इससे थीटा एंगल बना के हमने बी को भी इसी पॉइंट से ड्रॉ किया। ओके, इसी पॉइंट से बी को भी ड्रॉ कर लिए। तो नाउ फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ, इस पॉइंट से, ओ वाले पॉइंट से हमने दोनों वेक्टर को एक साथ ड्रॉ कर लिया, ए और बी। ओके, तो नाउ फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। नाउ सेकेंड स्टेप, प्रिपेयर ए पैरेललोग्राम बाय टेकिंग द टू वेक्टर्स एट एडजेसेंट साइड्स। अब एक पैरेललोग्राम बनाए इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने का जो साइड होगा वो इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, तो जितना बड़ा ए है ठीक उतना ही इसके पैरेलल हम यहाँ से ए को ड्रॉ करें। ओके, और जितना बी है, इधर बी है तो ठीक इसके पैरेलल हम इधर बी को ड्रॉ करें। ओके, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। तो नाउ सेकेंड स्टेप हैज बीन कंप्लीटेड। ए और बी को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज कंप्लीट, लेट अस कम टू द थर्ड स्टेप, द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ दो डायगोनल है, एक डायगोनल ओ से बी को मिलाने से मिलेगा और एक डायगोनल ए से डी को मिलाने से मिलेगा। देयर दो टू डायगोनल्स आर देयर। तो जिस पॉइंट से हमने दोनों वेक्टर को शुरू में ड्रॉ किया था, वो पॉइंट से ड्रॉ किए थे ए और बी को, तो इसी पॉइंट से होके जाने वाला जो डायगोनल है मीन ओ बी, द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ, जहाँ से हमने वेक्टर को ड्रॉ किया। ओके, तो नाउ द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब ये जो डायगोनल है मेरा ओ बी, ये दोनों ही मेरा, ये जो डायगोनल ओ बी आया, ये इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। सपोज दिस वेक्टर इज सी, नाउ दिस सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ। अब देखिए, अब अगर हम ऊपर ओबी के ऊपर इसको मिटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, तो अब सिर्फ नीचे देखिए। तो पहले हम एक वेक्टर को ड्रॉ किए, ए वेक्टर, अब इसके हेड से हम दूसरे को ड्रॉ किए, बी वेक्टर, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिए तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। ओके, ये मेरा ट्रायंगल लॉ है, इज इट और नॉट। तो ओ ए बी, ये मेरा ट्रायंगल लॉ है। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। अब आप, इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द रीडर, ये आपके ऊपर है। आपको ट्रायंगल बना के जोड़ना आसान लगता है तो ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए, आपको पैरेललोग्राम बना के जोड़ना आसान लगता है तो पैरेललोग्राम बना के उसे जोड़ लीजिए, दोनों से आपको सेम रिजल्ट आएगा।
अब देखिए ऊपर हम मिटा दें तो फिर आपका सारा डेरिवेशन पहले की तरह चलेगा। हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसमें इस बी एम को निकालेंगे ये बी साइन थीटा आएगा, ए एम को निकालेंगे ये बी कॉस थीटा आएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सेम डेरिवेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। एंड दिस एंगल्स सपोज ए से अल्फा एंगल बना रहा है सी, तो टेन अल्फा का वैल्यू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, जो रिजल्ट हम ट्रायंगल लॉ में पहले निकाल चुके हैं सेम रिजल्ट यू विल गेट। इट मीन्स ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ आर नॉट टू डिफरेंट लॉज, ये दो अलग अलग लॉ नहीं है बल्कि दोनों सेम ही चीज और सेम ही रिजल्ट को शो कर रहा है। आपको जो सुविधाजनक लगे, ट्रायंगल बनाना आसान लगे तो ट्रायंगल बना के जोड़ लें, पैरेललोग्राम बनाना आसान लगे तो पैरेललोग्राम बना के जोड़ लें। ओके, तो दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए ये दोनों ही मेथड यूजफुल है। टू वेक्टर्स, दो से ज़्यादा वेक्टर जोड़ना होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए तीन वेक्टर जोड़ना है तो पहले दो को जोड़ के रिजल्ट निकालेंगे और उसको फिर थर्ड से जोड़ेंगे, आपका प्रोसेस फिर ट्वाइस दो बार करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक नए मेथड को देखते हैं, पॉलीगन लॉ। अब नाम से ही स्पष्ट है, ट्रायंगल लॉ में हम एक ट्रायंगल बना रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ में एक पैरेललोग्राम बना रहे थे और पॉलीगन लॉ में एक पॉलीगन बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो करना क्या है, तो इसमें जितना भी वेक्टर दिया है, सपोज मोर देन टू वेक्टर्स, तो सबको एक एक करके ड्रॉ करेंगे। सपोज पहला वेक्टर दिया है ए वेक्टर, फिर दूसरा दिया है बी वेक्टर, फिर तीसरा दिया है सी वेक्टर, सबको हम वन बाय वन ड्रॉ करते चले। चौथा डी दिया है, पांचवा ई दिया है, जितना भी वेक्टर दिया है सबको पहले एक एक करके ड्रॉ कर लें। ओके, विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड विथ देयर प्रॉपर डायरेक्शन, जितना उनका मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से और जो दिशा है उनके हिसाब से। अब पहले वेक्टर का टेल और जो अंतिम वेक्टर आपने ड्रॉ किया है उसका हेड, पहले का टेल और दूसरे का हेड, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इन दोनों को ज्वाइन कर लें, तो जो वेक्टर हमको मिलेगा वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये सिर्फ ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। ट्रायंगल लॉ में हम ट्रायंगल बनाए थे और इसको उसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जितना भी वेक्टर है वन टू वन हम जोड़ ड्रॉ करते जा रहे हैं और लास्ट में पहले का टेल और अंतिम के हेड को मिला के रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर निकालना हो तो क्या करना होगा, तो हमें ग्राफ पेपर को यूज करना होगा। ग्राफ पेपर पे यूज करेंगे, ग्राफ पे जितना भी वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड देख के एक प्रॉपर स्केलिंग करके सबको ड्रॉ करेंगे और लास्ट में रिजल्टेंट का लेंथ निकालेंगे और प्रोटेक्टर डाल के उनका हम एंगल भी निकालेंगे। तो ये सारा काम ग्राफ पेपर पे होगा, इसलिए हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो ये दो वेक्टर एडिशन आपका ट्रायंगल लॉ और तीनों नियम आपका हो गया। अब एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये अलग से एक बड़ा टॉपिक है, ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अब आप समझ रहे होंगे कि फिजिक्स कोई बहुत भारी नहीं है, अगर स्टेप बाय स्टेप समझा जाए तो बहुत आसान बनता चलता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल से जुड़ते रहें, अपने दोस्तों को भी बताते रहें। ओके ओके, थैंक यू।